अंगैश्च संहिता सर्वे कलशाम्बु समापते अत्र गायत्री सावित्री अव शांति पुष्टिकरी तथा आयाम तु देव रक्षार्थ दुरिता क्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् स सन्निधि कुरु कुरु पंडित जी कहाँ खो गए आप? क्या साक्षात ब्रह्मा जी से मंत्र वार्ता हो रही है क्या आपकी? हम ब्रह्म वार्ता क्यों करें? क्या आप जानते नहीं ब्राह्मण के शरीर में खुद ब्रह्मा वास करते हैं? अच्छा, किंतु आप इस समय जिन मंत्रों का पठन कर रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, वेदोक्त नहीं, और आप इस समय स्नान करके भी नहीं आए। क्या बात है भागवत जी? महाराज, नारायण स्वामी इस समय जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो पुराणोक्त मंत्र है, किंतु राजा के स्नान के समय कभी भी वेदोक्त मंत्र पढ़ने का प्रावधान है, और इसके लिए भज्जी को स्नान करके आना अनिवार्य है, और इस समय भज्जी स्वयं ही स्नान करके नहीं आए। भज्जी, बिना नहाए आप मंत्रोच्चार करके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं? महाराज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वेद मनुस्मृति के नियमों से ही कर रहा हूँ। इसका अर्थ बिना नहाए मंत्र पठन करने का अधिकार वेद मनुस्मृति ने आपको दिया है। महाराज, कदाचित आप भूल कर रहे हैं, वेदोक्त पद्धति से विधि करते समय स्नान किया जाता है, पुराणोक्त पद्धति से विधि करते समय नहीं। आप भूल रहे हैं भट्टी, भागवत जी का कथन एकदम उचित है। शास्त्रानुसार राजा के स्नान विधि के समय मंत्र पुराणोक्त पद्धति से नहीं अपितु वेदोक्त पद्धति से पठन करना चाहिए, तथा वेदोक्त पद्धति से पहले पुरोहित का स्नान करना अनिवार्य है। मैं कुछ भी नहीं भुलाऊ महाराज, जिस तरह आप राजा के कर्तव्य से भली भांति परिचित हैं, ठीक उसी तरह मैं भी पुरोहित के कर्तव्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तात्पर्य ये कि मैं ये सारा विधि पुराणोक्त पद्धति से बिना स्नान किए ही कर रहा हूँ। अर्थात आप हमें क्षत्रिय कुलवंशी ना समझकर आप उचित ही समझ रहे हैं राजर्षि। जब तक सर्वशक्तिमान पुरोहित वर्ग आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं देता तब तक। नारायण भट्ट, धर्मानुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ है महाराज, और मैं अपने ब्राह्मण धर्म का यथावत पालन कर रहा हूँ। जब तक आपको क्षत्रिय होने की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक आप मेरे लिए शूद्र समान ही हैं। मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये तुम मुझे बताओगे? मैं ठुकराता हूँ तुम्हारे नीति नियमों को, तुम्हारे चातुर्वर्ण के षड्यंत्र को। तुम वही पुरानी घिनौनी श्रृंखला की कड़ी हो जिन्होंने हमारे श्रद्धेय पूर्वज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्हें शूद्र कहकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया। लेकिन मैं तुम्हारे इन पाखंडों को चलने नहीं दूंगा, निकल जाओ यहां से। जहां राजा के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो सामान्य जनों का क्या? मुझे ही कुछ करना होगा। वर्णवाद ने हमें ही अपमानित किया है। हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण है। जब हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है तो प्रजा को न जाने क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते होंगे। कुलकर्णी किसानों से जबरन पैसा वसूल करते हैं, वो किसानों का शोषण समाप्त करने के लिए हम कुलकर्णी प्रथा के बजाय पटवारियों की नियुक्ति करते हैं। हम ऐलान करते हैं कि राजकोष से कोई भी इनाम या उपहार ब्राह्मण वर्ग को नहीं दिया जाएगा। हमारे राज में सरकारी दफ्तरों में पिछड़ी जाति तथा निर्बल वर्ग को 50% आरक्षण लागू किया जाएगा, तथा प्रत्येक देहात में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाएगा। मुस्लिम प्रजाजन शिक्षित बने इसलिए हम स्वतंत्र रूप से मुस्लिम शिक्षा समिति गठित कर रहे हैं। कोल्हापुर रियासत का प्रशासन बहुजन कल्याण के लिए वचनबद्ध है।